जब मैम मुझे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं नर्वस हो जाता हूँ और उसका आंसर नहीं दे पाता हूँ। वेलकम टू द एपिसोड 5th ऑफ आवर सीरीज नेम्ड किस दैट इज कीप इट सुपर सिंपल। आज हमारे साथ हैं भविष्य चस्याल जिन्हें कुछ कॉमन डिस्कशन होगी। आई होप दिस कॉन्वर्सेशन विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, सो स्टे विद अस टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड लेट्स सी कि भविष्य के क्या डाउट्स हैं और हम इनको कैसे सॉल्व या डिस्कस कर पाते हैं। सो भविष्य, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कहां से हैं आप, किस क्लास से हैं? माय नेम इज भविष्य चस्याल, आई एम स्टडीइंग क्लास 7 एंड माय स्कूल नेम इज न्यू पब्लिक हाई स्कूल चौधरा सुंदरबन। ओके भविष्य, तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। किस टॉपिक पे आप डिस्कशन करना चाहोगे, क्या टॉपिक लेके आए हो आज आप? सर मेरा डाउट है कि जब मैम मुझे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं नर्वस हो जाता हूँ और उसका आंसर नहीं दे पाता हूँ। भविष्य, ये एक एक चीज मुझे बताना, आपने अगर नोटिस किया हो जब आप वन ऑन वन टीचर से बात करते हैं तब भी ऐसा होता है या फिर क्लास में ऐसा, जब ग्रुप में बात करते हैं तब ऐसा होता है? ग्रुप में भी होता है। और जब अकेले में आप टीचर से बात करते हैं, किसी से बात करते हैं, तब भी ऐसा होता है? तब नहीं होता। तब कम होता है या फिर नहीं होता है, बट जब क्लास में ऐसी चीजें सामने आती हैं तब हमें ज्यादा नर्वसनेस फील होती है। भविष्य, एक छोटी सी एक रिएक्शन बताता हूँ आपको क्या होता है। अचानक से इसके दो तीन केसेस बनते हैं। अचानक से जब टीचर ने पॉइंट आउट किया, ओके भविष्य यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ आप बताओ, क्या होता है कि हमारा ब्रेन उस चीज के लिए रेडी नहीं होता है ना, हमारा ब्रेन उस चीज के लिए रेडी नहीं होता। तो तुरंत हमारा ब्रेन किस तरह से ट्रेंड है आपको पता है, कहीं से भी हमारे ब्रेन को खतरा दिखता है, हमारा ब्रेन बॉडी को क्या ऑर्डर देता है कि भविष्य इस खतरे से निकलो, दूर जाओ। आपने साइंस में पढ़ा भी होगा रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। जब भी कभी ऐसा होता है, जैसे कभी आपने किसी गर्म चीज के साथ हाथ टच कर दिया, अचानक से हम ऐसे करने लगते हैं, अपने हाथ को मूवमेंट दिखाते हैं, बहुत क्विक मूवमेंट दिखाते हैं, क्या करते हैं कुछ कांटा चुभ जाता है, तो जैसे पाँव में कुछ कांटा लग गया तो अचानक से हम वो पाँव भी ऊपर कर लेते हैं, वो क्या हमारा ब्रेन का ऑर्डर देता है कि यहाँ पे खतरा है, यहाँ से दूर निकलो। क्लास में क्या होता है, जब आपको ऐसा बोला जाता है तो आपका ब्रेन का ऑर्डर देता है कि भविष्य यहाँ पे खतरा है, जिसकी वजह से हम नर्वसनेस फील करते हैं या वो ऐसा थोड़ा सा एक्साइटेड या थोड़ा सा अलग जोन में चले जाते हैं उस टाइम के लिए। रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन है कि आपको सेंटर ऑफ अटेंशन बनने की आदत नहीं है या फिर कम है। जब भी बहुत सारे लोगों की नजरें आप पे होती हैं तो वहां पे हमें थोड़ी सी नर्वसनेस हो जाती है कि ये लोग मेरे पे हंसेंगे या पता नहीं क्या सोचेंगे या मैं गलत बता पाऊंगा या नहीं बता पाऊंगा या शायद मुझसे ये सब ज्यादा जानते हैं, तो ये सारे थॉट्स हमारे दिमाग में चलना शुरू हो जाते हैं जो बहुत कॉमन है। अब एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि थोड़ी सी नर्वसनेस होनी भी चाहिए, थोड़ा सा सेल्फ डाउट, थोड़ी सी नर्वसनेस बहुत जरूरी होती है स्टूडेंट लाइफ में। जो लोग हमें सुन रहे हैं, अगर आपको कभी सेल्फ डाउट ओवरथिंकिंग होती भी है तो ये थोड़ा सा नर्वसनेस पॉइंट चाहिए भी हमारी लाइफ में, क्योंकि उससे हम स्टेबल रहते हैं। बिल्कुल हमेशा मोटिवेटेड, हमेशा कॉन्फिडेंट ऐसा कोई नहीं रह सकता, ये एक बहुत गलत स्टेज बन जाएगी अगर ऐसा है भी आपके साथ तो। बट जब आपको क्लास में सेंटर ऑफ अटेंशन बनाया जाता है, इसका मतलब हम में एक स्किल की वीकनेस होती है, एक स्किल होता है जिसका नाम होता है सोशल अडॉप्टेबिलिटी। हम अडॉप्ट नहीं कर पाते उस सिचुएशन को, जिसकी वजह से हम ये वीक फील करते हैं उस टाइम पे। भविष्य, इसकी एक बेसिक कुछ प्रैक्टिस होती है, एक स्किल है सोशल अडॉप्टेबिलिटी नाम का, जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे आप धीरे 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 उस सिचुएशन में अपने आप को ढालने की कोशिश करो, मतलब खुद ऑप्ट करो वो सिचुएशन। भविष्य, एक छोटा सा मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। सपोज आपका कोई मजाक उड़ा रहा है, जब सामने से आपके कम मार्क्स आने पे कोई मजाक उड़ा रहा है, एक सिचुएशन तो ये है। दूसरी सिचुएशन है जब आप खुद सबको अपने मार्क्स बता रहे हो कि हाँ मेरे मार्क्स कम आए इस बार, बट नेक्स्ट टाइम मैं ज्यादा मेहनत करूंगा। दूसरे वाले केस में आपको एम्बेरसमेंट बिल्कुल नहीं होगी जब आप खुद बता रहे हो, पहले वाले केस में होगी जब लोग आपसे पूछ रहे हैं या आपका मजाक उड़ा रहे हैं। दूसरे वाले केस में हमने इनिशिएटिव लिया, हम खुद गए सामने, हमने खुद अपनी गलती बताई, खुद माना सब कुछ, तो वहां पे क्या होता है, कोई एम्बेरसमेंट नहीं, कोई नर्वसनेस नहीं। पहले वाले केस में लोगों ने पॉइंट आउट किया तो एम्बेरसमेंट होगी, नर्वसनेस होगी। तो बात क्या आती है, इनिशिएटिव लेने की, कि आप पहले वाले केस में इनिशिएटिव नहीं ले रहे। क्लास में मैम ने कुछ पूछा तो आपका ब्रेन किस तरह से रिएक्ट कर रहा है कि भविष्य भागो खतरा, लेकिन अगर आप अपने ब्रेन को उस तरह से ट्रेन करो, ओके कूल डाउन, क्या पूछा है उसको रिपीट करते हैं वापस से एक बार। अक्सर बच्चे करते भी हैं, जब कोई टीचर कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो बच्चे के बार वापस से रिपीट करते हैं, आपने सुना होगा ऐसा करने में, ब्रेन इस तरह से ट्रेंड होता है। कुछ सेकंड्स मिल जाते हैं, कुछ टाइम मिल जाता है हमें सोचने के लिए, वो टाइम उस तरह से आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो। कुछ इनिशिएटिव्स लेना शुरू करो, छोटे छोटे स्टेजेस पे या छोटे छोटे मौकों पे अगर आपको मौका मिलता है बाहर आने का, कुछ बोलने का, अपना पॉइंट रखने का, तो पॉइंट रखो, खुद को पुश करो वहां पे,
कि हाँ कभी क्लास में मौका मिला कोई स्पीच देने का, तो स्पीच देनी चाहिए आपको। कोई ऐसी सोसाइटी या कोई ऐसा ग्रुप कहीं आपको मौका मिलता है स्पीच देने का, कुछ भी बोलने का, तो बोलो। वहां से क्या होगा, धीरे धीरे आप उस सिचुएशन के आदी बन जाएंगे। भविष्य, कभी स्विमिंग पूल में नहाने गए हो? यस सर। पहली बार में पानी में जाने से डर लगता है, लेकिन जब एक बार चले जाओ तो फिर दोबारा कभी डर लगता है उस चीज से? नो सर। दोबारा हम उसके आदी हो जाते हैं, हमें पता ही खतरा ही नहीं है इसमें, तो कुछ भी नहीं था, मैं तो ऐसे ही सोच रहा था। कई बार तो हम दिमाग में ऐसे ही बना लेते हैं वो हवा सी, और यार पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं कुछ टीचर मैंने गलत बोल दिया तो फिर पता नहीं टीचर क्या बोल देंगे। बट एक बार आप उस सिचुएशन से गो थ्रू हो गए, आप निकल गए उस सिचुएशन से, दोबारा कभी वो सिचुएशन आपको डरा नहीं पाएगी। तो आपको एक बार इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और साथ में परमानेंट सोल्यूशन क्या है कि सोशल अडॉप्टेबिलिटी नाम का स्किल है, उसको ट्राई करो, वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। भविष्य, समझ में आया क्या करना है? इनिशिएटिव्स लेने हैं, और एक हम लाइफ स्किल है सोशल अडॉप्टेबिलिटी, जो हम धीरे धीरे सीखेंगे और उस पर काम करेंगे। तो आई होप कि ये डाउट आपका क्लियर होगा। मैम नेक्स्ट टाइम डाउट पूछेगी, आपको नर्वसनेस फिर से होगी, लेकिन धीरे 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 जब आप इनिशिएटिव लेना शुरू करोगे फिर आपको ये नर्वसनेस दूर हो जाएगी। ठीक है भविष्य? यस सर। ओके, और कुछ पूछना चाहोगे भविष्य आप? सर मेरा सेकंड डाउट है कि जब कोई न्यू स्टूडेंट स्कूल में न्यू आता है तो मैं उससे हेलो हाय नहीं बोल सकता, और मैं उससे बात भी नहीं कर सकता। भविष्य, अगर हम ध्यान से इस सिचुएशन को समझेंगे, ये सिचुएशन और आपकी पहले वाली सिचुएशन दोनों आपस में लगभग लगभग सेम ही है ना? प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? नंबर एक, इनिशिएटिव लेने में, कि मैं सामने से जाके हाय हेलो नहीं बोल सकता। हाँ, अगर उसने बोल दिया तो हो सकता है आप अच्छे से बात कर लो, है ना? अगर उन्होंने आपको सामने से हाय हेलो बोल दिया फिर तो आप बहुत अच्छे से बात कर पाओगे उनके साथ, फिर आप बात भी कर लोगे, दोस्त भी बन जाओगे, सब कुछ हो जाएगा। बट इनिशिएटिव लेने से हम घबराते हैं। इनिशिएटिव लेने से घबराते क्यों है? क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस इवैल्यूएट नहीं कर पाते कि इस चीज का रिजल्ट क्या होगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर मैंने हाय बोल दिया तो क्या हो जाएगा, हेलो बोल दिया तो क्या हो जाएगा, जबकि ये सिर्फ हमारा ब्रेन बता रहा है हमें कि खतरा है, ऐसा कुछ है, वैसा है, ऐसा कुछ है नहीं। हालांकि ऐसा कुछ अगर आपके साथ कभी पहले हुआ हो, कि आपने कभी पहले कोई टीचर से डाउट पूछा हो, आपका क्लास में मजाक बना हो, वो सिचुएशन हो चुकी है भविष्य। अगर कभी ऐसा कुछ हुआ भी हो तो वो सिचुएशन निकल चुकी है। अब क्या करना है, इनिशिएटिव लेना सीखो। खुद को थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, थोड़ा सा खुद इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, जाना पड़ेगा उनके सामने, हाय हेलो बोलना पड़ेगा, ये तभी होगा। प्रैक्टिस करके ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट जो भी चीज़ आपके माइंड में चल रही है, जो भी आप सोच रहे हो कि क्या हो जाएगा, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उस चीज़ से दूर रहो। और एक छोटा सा सजेशन है, एग्जीक्यूशन, ये जो छोटे छोटे डिसीजन होते हैं ना, इनको हम लो स्टेक डिसीजन बोलते हैं। लो स्टेक डिसीजन कौन से होते हैं? जब किसी को हाय बोलना है, हेलो बोलना है, या हाँ कैंटीन चलते हैं, थोड़ा सा और पढ़ाई कर लेते हैं, ये बहुत लो स्टेक डिसीजन होते हैं। लो स्टेक डिसीजन मतलब जिन पे कुछ भी दाव पे नहीं लगा। अगर आपने किसी को हाय बोला, उसने रिप्लाई ना भी किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लो स्टेक डिसीजन में ज्यादा टाइम नहीं देना सोचने का। क्या करना है, लो स्टेक डिसीजन में सोचने का ब्रेन को टाइम ही नहीं देना है, जस्ट एग्जीक्यूट दैट थिंग। लो स्टेक डिसीजन की एक और एग्जाम्पल देता हूं। जब मम्मी आपसे पूछती है कि बेटा घर में ये सब्जी बनी है, आपको इसके साथ खाना पड़ेगा, ठीक है जो बना है वही खा लेंगे, ज्यादा सोचना ही नहीं उसके बारे में, उस पर टाइम वेस्ट क्यों करें। इसी तरह से किसी को हाय हेलो बोलना है, क्लास में कोई डाउट पूछना है, या टीचर ने कोई आंसर दे दिया उसका आंसर देना है, टीचर ने क्वेश्चन पूछ लिया उसका आपको आंसर देना है, इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, जस्ट गेट अप एंड डू द नीडफुल, जो भी जरूरी है उसको कर दो। इसको हम बोलते हैं लो स्टेक डिसीजन। स्पीड ऑफ डिसीजन का एक स्किल होता है, उसमें एक चीज आती है, आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी कि लो स्टेक डिसीजन में सोचना नहीं है ज्यादा, जस्ट एग्जीक्यूट करना है, वरना पता नहीं क्या क्या हम सोचना शुरू कर देंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी, वो चीज हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। डिसीजन लो स्टेक है तो कुछ मत सोचो, जस्ट एग्जीक्यूट। समझ में आया? इनिशिएटिव लेना है और क्यों इनिशिएटिव लेना है, बस इतना सा काम हमें करना है। इन दोनों चीजों से ये प्रॉब्लम सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है भविष्य, आई होप कुछ ना कुछ डाउट में क्लियर कर पाया हूँ आपको। यस सर। समझ में आया होगा आपको कुछ ना कुछ ये? यस सर। ओके भविष्य, भविष्य थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग योर डाउट्स, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, बहुत सारे बच्चों को ये इशू आते हैं सोशल अडॉप्टेबिलिटी या फिर स्पीड ऑफ डिसीजन में, बहुत सारे बच्चों को ये इश्यूज आते हैं। मैं भी कोशिश करूंगा कि कभी मैं इनके ऊपर प्रॉपर क्लासेस ले सकूं, प्रॉपरली आपको सिखा सकूं कि किस तरीके से होते हैं। स्पीड ऑफ डिसीजन पे एक शॉर्ट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड भी होगी, आप चेक कर सकते हो वहाँ पे, जो मेरी वाली प्लेलिस्ट होती है। एक्चुअली उसमें बहुत सारे और एडुकेटर्स पढ़ाते हैं, बट मेरी वाली प्लेलिस्ट में आपको ये वाली चीजें मिल जाएंगी, लाइफ स्किल्स वाली प्लेलिस्ट में स्पीड ऑफ डिसीजन पे वीडियो भी मिल जाएगा। भविष्य थैंक यू वेरी मच फॉर रेजिंग सच इंटरेस्टिंग डाउट्स, आई होप कुछ आपको भी समझ आया हो, और जो हमारे लिसनर्स हैं उनको भी कुछ ना कुछ, व्यूअर्स को भी समझ में आया हो। अगर हम कुछ भी वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं तो प्लीज स्टे विद एमिफाई,
एंड डू शेयर दीज वीडियोज विद स्टूडेंट्स. अगर आपको कुछ लगता है कि हमारी वीडियोज किसी और स्टूडेंट को भी हेल्प कर पाते हैं तो डेफिनेटली उनके साथ शेयर करिएगा. और अगर ऐसे किसी के भी डाउट्स हैं आप एमिफाई के पास आइए, हम जरूर यहाँ पर डिस्कस करेंगे. हो सकता है कि आपके वाले डाउट्स बहुत सारे और लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे. सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद अस, स्टे विद एमिफाई एंड डू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक आवर कंटेंट. थैंक यू वेरी मच भविष्य फॉर बीइंग देयर.